आप सबका स्वागत है आपके अपने प्यारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूँगा, समझाऊँगा, बताऊँगा अ प्रेयर फॉर माय डॉटर। देखिए, अ प्रेयर फॉर माय डॉटर आप देख पा रहे हैं, आपके सिलेबस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आएंगे, आप लिख लीजिए। तो इस पोएम को लिखा है विलियम बटलर इट्स, यानी W.B. इट्स ने इस पोएम को लिखा है, अ प्रेयर फॉर माय डॉटर, यानी अपनी बेटी के लिए उन्होंने इस पोएम को लिखा है, अपने बेटी के लिए लिखा है। तो चलिए झटपट शुरू करते हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पॉइंट वाइज मैंने डिस्कस करने का प्रयास यहाँ पे किया है। चलिए पहला पॉइंट लेते हैं। ही कंपोज दिस पोएम फॉर हिज डॉटर एने इन 1919। देखो, यहाँ पे दो क्वेश्चन बन जाता है कि उनकी बेटी का नाम क्या था, एने, और कब इस पोएम को उन्होंने लिखा, 1919 में। ठीक है, तो विलियम बटलर इट्स ने इस पोएम को 1919 में लिखा, 1919 में, अपने बेटी अन्ने के लिए। आप इसको नोट डाउन करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1921, यानी ये जो पोएम है अ प्रेयर फॉर माई डॉटर, ये पब्लिश हुई कब, 1921 में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, ही वॉज लिविंग इन थूर। देखो यहाँ पे ना W.B. इट्स कहाँ रहा करते थे, ये भी मैंने यहाँ पे बताया है कि W.B. इट्स जो है वो थूर बैली बैलील में रहते थे, थूर बैलील में रहते थे, और इट इज़ अ फिफ्टींथ सेंचुरी टावर एट दैट टाइम। देखो, 15th सेंचुरी एक टावर के रूप में वो था बैलिल, जिस जगह पे वो रहते थे। एंग्लो आयरिश वॉर वॉज गोइंग ऑन, और जब उन्होंने इस पोएम को लिखा उस समय एंग्लो आयरिश वॉर जो है वो जारी था, चल रहा था, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हिज डॉटर अन्ने, मैंने पहले भी डिस्कस किया कि अन्ने उनकी बेटी का नाम था। हिज डॉटर अन्ने टुक बर्थ ड्यूरिंग द एंग्लो आयरिश वॉर पीरियड। देखो, उनकी बेटी का जन्म हुआ था जब एंग्लो आयरिश वॉर युद्ध जो है वो चल रहा था, तब उनकी बेटी का जन्म हुआ था। एंड ही कंपोज दिस पोएम जस्ट आफ्टर 2 डेज ऑफ हिज डॉटर्स बर्थ, और इस जो युद्ध था उसके जस्ट सॉरी ये उनकी बेटी का जन्म का सिर्फ 2 दिन हुआ था तब उन्होंने इस पोएम को लिखा था, प्रेयर फॉर माय डॉटर। ध्यान से सुनेंगे, एंग्लो आयरिश वॉर हुआ था उसमें उनकी बेटी का जन्म हुआ था और उनकी बेटी के सिर्फ 2 दिन बाद ही उन्होंने इस पोएम को लिखा था, है ना। चलिए अगला पॉइंट लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोचक पॉइंट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, है ना। चलिए, दिस पोएम हैज़ 10 स्टांजास। देखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पोएम में कितने स्टांजा हैं, 10 स्टांजास, 10 स्टांजास हैं इस पोएम के। ईच स्टांजा हैज़ 8 लाइन्स, और प्रत्येक स्टांजा में कितने लाइन हैं, 8 लाइनें हैं। ठीक है, ध्यान से इसको नोट कर लेंगे। 10 स्टांजा की ये पोएम है और हर एक स्टांजा में 8 लाइन है। आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, यहाँ पे आ जाइए। ही लाइक्स हिज डॉटर एने, देखो वो अपने बेटी को बहुत पसंद करते थे W.B. इट्स, बट ही डजेंट वॉन्ट हिज डॉटर टू बी लाइक मडगॉन। यहाँ पे एक नाम आया है मडगॉन। देखो, उनकी अपनी बेटी से वो बहुत प्रेम करते थे, बहुत अच्छा उनको लगता था, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे W.B. इट्स कि उनकी बेटी मडगॉन की तरह हो। मॉडगन कौन थी, यहाँ पे मॉडगन जो है W.B. इट्स की बिलवेड थी। ठीक है, मॉडगन नाम बहुत ही फेमस है, आप देख लीजिएगा और भी सर्च मार करके। तो मॉडगन W.B. इट्स की बिलवेड थी, वो कभी नहीं चाहते थे कि मॉडगन की तरह उनकी बेटी अन्य बने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम, यानी पोएम के शुरुआत में क्या होता है, पोएम के शुरुआत में ही वॉन्ट्स टू सेव हिज डॉटर। ठीक है, ही वॉन्ट्स टू सेव हिज डॉटर, अपनी बेटी को वो बचाना चाहते हैं, है ना। फ्रॉम किससे, स्टॉर्म से, आंधी से, स्टॉर्म फ्रॉम एटलांटिक, एटलांटिक की जो तेज़ हवाएं होती हैं उनसे बचाना चाहते हैं।
यहाँ पे कहने का बहुत सारे सेंसेस हैं, ठीक है। पोएम में इन सब का जिक्र हुआ है, हेरिंग स्क्रीमिंग सी वेव्स, समंदर की जो लहरें हैं उनसे वो बचाना चाहते थे, यानी रिलेट किया है जो आयरिश इंडो आयरिश वार जो है, एंग्लो आयरिश वार, उससे इन्होंने इन सारी चीज़ों को रिलेट करके यहाँ पे बताया है। ही प्रेड एंड प्रेड फॉर हर, वो हमेशा चाहते हैं और प्रेयर करते हैं कि उनकी बेटी सुरक्षित रहे, है ना। चलिए He describes his daughter's beauty. देखो इस पोएम में उन्होंने अपने बेटी की जो खूबसूरती है उसे भी डिस्क्राइब किया है, नेचुरल इंटीमेसी भी डिस्क्राइब किया है, इनर ब्यूटी, उनकी बेटी की जो इनर ब्यूटी है उनको भी उन्होंने यहाँ पे इस पोएम में डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, पूरी तरह से डिस्क्राइब किया है। ऑल्सो वॉन्ट्स हर टू बी डिसिप्लिन, अब वो एक लाइन में कहते हैं कि उनकी बेटी डिसिप्लिन होनी चाहिए, है ना। तो इस तरह से इस पोएम को आपने देखा, अब जिसका नाम है अ प्रेयर फॉर माय डॉटर, बहुत ही सुंदर। कैसी लगी अब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।